गुड इवनिंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एग्जाम अड्डा 360 सिक्सटी करेंट अफेयर एट पी में चलिए फटाफट सारे लोग लाइव आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर सके कल का सेशन किसी कारण से स्थगित करना पड़ा था तो कल और आज दोनों दिन का क्वेश्चन करंट का बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज हैं आज का जो क्वेश्चन है तेरह चौदह क्वेश्चन का जो आज क्लास आया है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है तो आज का जो भी क्वेश्चन है करने में भी मजा आएगा वो आपके आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा स्टार्ट करें चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं घड़ी से सुई मिला के तुम लोग नहीं आता है गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू चलिए स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट स्टार्ट द सेशन आज के जो इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सात जून और आठ जून को क्या इंपॉर्टेंट घटना डेट्स हैं ये डेट्स क्यों प्रसिद्ध हैं सबसे पहले हम वो लेके आएंगे उसके बाद फिर हम लोग अपना क्वेश्चन आर स्टार्ट करेंगे ठीक चलिए सात जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सात जून क्या है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये कौन बनाता है फूड एंड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सात जून से है आपको ये कौन बनाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस के एक आर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ और आपको डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच ओ डब्ल्यू एच ओ एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों आपको इसको 2019 से मना रहे हैं 2019 से वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे अपने यहाँ इंडिया में इसको फसाई मनाता है फसाई इसको सेलिब्रेट करता है यहाँ पे वर्ल्ड वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2019 से इसे मना रहे हैं डब्ल्यू हाँ सात जून इस साल का थीम क्या है सेफ फूड फॉर ए हेल्दी टुमारो नेचुरल भी है कि अपने फूड को आपको बचाना है आपका कल अच्छा हो आजकल फेसबुक पे एक स्टोरी आता रहता है हमेशा कि नॉर्वे का कि नॉर्वे में कोई खाना खाने जाता है तो वहाँ पे पाँच चीज़ पाँच प्लेट का पे करेगा तो चार ही ले जाएगा एक छोड़ देता है ठीक है तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी है मैंने कि आप फूड को बचाइएगा अगर तो फुड़ वो फूड आपके आगे ही कम है बहुत सी इंटरलिंक्ड है आप कंजम्पशन कम कीजिएगा तो उसका क्लाइमेटिक चेंज पे भी प्रभाव पड़ेगा हर तरह का उसका इश्यू होता है इसलिए वर्ल्ड फूड फूड सेफ्टी डे काफी इंपॉर्टेंट है सेफ फूड फॉर ए हेल्दी टुमारो इसका थीम है इस साल का ठीक है आठ जून वर्ल्ड ओशंस डे विश्व समुद्र दिवस आठ जून क्या है आठ जून है वर्ल्ड ओशन डे ये हम लोग मनाते हैं 2008 से आठ जून को ही है 2008 से इसे हम लोग मनाते भी हैं और इस साल का है लाइफ एंड लिवलीहुड्स लाइफ एंड द ओशन द लाइफ एंड द लिवलीहुड्स ओशन जो है वो जीवन और जीविका दोनों का साधन है जीवन और जीविका हाँ, हाँ बिल्कुल जीवन और जीविका वर्ल्ड ओशन डे 8 जून 2008 से मनाते हैं और इस साल का थीम है जीवन और जीविका समुद्र द ओशन लाइव एंड लिवलीहुड्स ठीक है चलिए बाय यूनाइटेड नेशंस हाँ बिल्कुल सही बाय यूनाइटेड नेशंस के द्वारा है और हम लोग 8 जून को मनाते हैं वर्ल्ड ओशंस डे और सात जून को मनाते हैं फूड सेफ्टी डे ठीक चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन आंसर का आज का जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए मजा आने वाला है पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन बताइए इसका जवाब Who has been appointed as the new Election commission of election commissioner of India? भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है अनूप चंद्र पांडे सुशील चंद्रा राजीव कुमार सुनील अरोरा इसका आंसर बताइए भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है अनूप चंद्र पांडे देवेश त्रिवेदी नाम ए नेहा झा ए अपर्णा सिंह ए अर्जुन ए अभिराज सत्यम करेक्ट आंसर क्या होगा इसका अनूप चंद्र पांडे अनूप चंद्र पांडे भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हुए हैं नए चुनाव आयुक्त बने हुए हैं बने हैं सुशील चंद्रा चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्तों से मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अभी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं और अनूप चंद्र पांडे को नए चुनाव आयुक्त के नियुक्त किया गया है सुनील अरोरा जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सुशील चंद्रा एलिवेट करके उस, पो, उस पोस्ट पर प्रमोट हुए और फिर उनके जगह पे जो पद रिक्त हुआ वहां पे आपको अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति की गई है हाट ठीक है अच्छा ये जो इलेक्शन कमीशन का हमारे संविधान में जो जिक्र है ये इसमें है आर्टिकल 324 से तीन आर्टिकल 324 से तीन में चुनाव आयुक्त के चुनाव आयोग के बारे में इसके फंक्शनिंग इसका किस तरह से हो सकता है इस बारे में बताया गया है चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है ये छह वर्ष के लिए होती है या 65 फाइव ईयर्स जब तक कि उनका एज जो भी पहले हो जाए उसमें उसके तहत इनकी नियुक्ति की जाती है और इनका जो पद होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के पद के इसका बराबर होता है हाँ आर्टिकल तीन सौ चौबीस क्वेश्चन आता है ये आर्टिकल चुनाव आयुक्त किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है आपको तीन रहेगा तो आपको तीन सौ होगा हाँ राजीव कुमार अभी अपॉइंटेड न्यू है नहीं राजीव अनूप चंद्र पांडे अभी न्यू अपॉइंटेड हैं राजीव कुमार दूसरे हैं अभी वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त हुए सुशील चंद्रा और दो चुनाव आयुक्त हुए 1950 से चुनाव आयोग का आपको क्या कहते हैं चुनाव आयोग एस्टेब्लिश है इसका हेड क्वार्टर्स नई दिल्ली है और चुनाव आयोग का टीथ देने का काम किया था टी सेशन ने चुनाव आयोग को टीत देने का काम किया था टीएन सेशन ने और वर्तमान में अभी आपको दो चुनाव आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ठीक है क्लियर है आर्टिकल 324 चौबीस से 329 के बीच में इनका चुनाव आयोग के बारे में जिक्र किया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इला, ये आई ए एस ऑफिस हैं आई ए एस हैं और चुनाव आयोग का जो कार्य होता है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति से इलेक्शन से लेकर उपराष्ट्रपति संसद विधानसभा सारे जगहों का इलेक्शन करवाने का जिम्मा चुनाव आयोग का है लेकिन जो आपको पंचायती पंचायत का जो इलेक्शन होता है बिहार विधान बिहार नहीं विधानसभा का इलेक्शन भी चुनाव आयोग ही कराता है लेकिन उसके नीचे का जो इलेक्शन होता है उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, कमीशन होता है जनवरी क्या इलेक्शन का हेड कमांड किसे मिलता है राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं इसे स्टेट इलेक्शन कमीशन आपको लोकल लेवल का इलेक्शन जो भी होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करता है चुनाव आयोग वो कंडक्ट नहीं करता है ये आपका हो सकता है क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि जो ये इलेक्शन है स्टेट पंचायती राज का या आपको विधान परिषद का ये सब इलेक्शन कौन करवाता है तो आंसर क्या होगा आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन ठीक है क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए

अभिराज पटेल टू वन गैर वर्यता प्राप्त खिलाड़ी जो टेनिस फ्रेंच ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंची है सत्यम सिंह भी ए सिंह सांझ करेक्ट आंसर क्या होगा लिंड लिंडवीना जोसेफ अभी हाल में ही लगातार न्यूज़पेपर में सुर्खियों में बनी हुई हैं आप लोग न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ते नहीं हैं लिंडवीना जोसेफ जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है करेक्ट आंसर ए नहीं होगा ए करेक्ट आंसर नहीं है कृष्ण कुमार कह रहे हैं बी बी में क्या है सार्वजनिक रूप से फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन की पिटाई की गई अभी न्यूज आया था कि किसी पब्लिक ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन को पब्लिकली एक दो चमेटा स्लैप कर दिया लेकिन लिंडविना जोसेफ ये ये भी नहीं है लिंडविना जोसेफ ये भी नहीं है अब ए नहीं होगा बी नहीं होगा सी और डी हो सकता है अर्जुन कुमार कह रहे हैं सी तन्म सी आंसर क्या होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन बी रम को उन्होंने एक पत्र लिखा है केरल की एक फिफ्थ स्टैंडर्ड की एक स्टूडेंट है कोविड 19 के लिए सक्रिय भागीदारी के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यों को उन्होंने सराहना किया बड़ाई की बड़ा, बड़ाई की इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस लड़की को लिंडविना जोसफ को वापस पत्र लिखा और उनको बोला कि आप भविष्य में एक बेहतर नागरिक बनेगी ठीक है तो ये लिंडविना जोसफ इस कारण से अभी हाल में ही न्यूज़पेपर में लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी ठीक है तो ये आपके करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका ऑप्शन टू का सी क्लियर टू का सी जिसका भी आंसर सी बहुत कम मारा था राइट ए लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन बी रमन्ना और ऑप्शन फोर्थ में जो आपका दिया हुआ है यंगेस्ट मेयर यंगेस्ट मेयर तिरुवंतपुरम की मेयर बनी है दिसंबर में आर्या राजेंद्रन आर्या राजेंद्रन याद रखना है आपको आर्या राजेंद्रन यंगेस्ट मेयर यंगेस्ट मेयर के पद पे आर्या राजेंद्रन का इलेक्शन हुआ है आपको दिसंबर में तिरुवंतपुरम की तो ये भी आपको ध्यान में रखना है चलिए इसका बताइए ज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सेवेंटी सिक्स ऑफ दूनाइटेड जनरल इन से जनरल पद पर किसे निर्वाचित किया गया है अब्दुल्ला साहिदानी मोहम्मद बंडे विजया लक्ष्मी सत्यम सिंह पूर्णिमा रानी बी अपना बी बी सौरभ देखिए इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर होगा मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला साहिद की नियुक्ति अभी छिहत्तरवें सेशन के लिए की गई है सेवेंटी फिफ्थ अभी वर्तमान में जो पचहत्तरवा चल रहा है इसके अध्यक्ष कौन है वोल्कन बॉजकि जो टर्की के हैं और ये कहाँ के हैं मालदीव्स के हैं इनका इलेक्शन हुआ है इलेक्शन में इन्होंने किसके डिप्लोमेट को हराया है किसको हराया है इन्होंने अफगानिस्तान के डिप्लोमेट को ठीक है तो यह क्वेश्चन आपको अगले एक साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है पहले ही बताए थे आज का सेशन सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे इस में के अध्यक्ष पद किसकी नियुक्ति की गई है अब्दुल्ला साहिद की जो कि मॉलदीव्स के रहने वाले हैं और एक वर्सेस 48 वोट से ये विजय हुए हैं पचहत्तरवे सेशन के अध्यक्ष हैं आपको वोलगन बोजकिर जो कि टर्की के हैं तेंजानी मोहम्मद बेंडे सेवेंटी फोर्थ के थे और विजया लक्ष्मी पंडित पहली महिला यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अध्यक्ष भारत की जो आठवीं सेशन की अध्यक्ष थी ठीक है हाँ एक साल के लिए इनका निर्वाचन होता है एक साल के लिए निर्वाचन होता है एक साल के निर्वाचन के बाद अगले सेशन के लिए फिर दूसरे सदस्य का निर्वाचन होता है एक दूसरी घटना भी यूनाइटेड नेशंस में हुई अभी कि एंटोनियो गुटरेस जो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के उनका कार्यकाल भी अगले पाँच साल अगले पाँच साल के लिए एंटोनियो गुटरेस जो पुर्तगाल के भूतपूर्व प्रीमियर हैं उनका फर्स्ट टर्म 2017 से था उनको अगले पाँच साल के लिए फिर से इस पद पे चुन लिया गया है एंटोनियो गुटरेस को तो ये भी आपको ध्यान में रखना है आपको छिहत्तर में सेशन के अध्यक्ष बने अब्दुल्ला साहिद और अगले सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के जो है वो एंटोनियो गुटरेस फिर से मैंने उनका रिकमेंडेशन जनरल असेंबली कर दिया है सिक्योरिटी काउंसिल कर दिया जनरल असेंबली को अब जनरल असेंबली में फॉर्मेलिटी है वो वहां पर चूर जाएंगे ठीक है क्लियर है अफगानिस्तान के जलवी रसूल को उन्होंने पराजित किया अब्दुल साहिद ने एक चीज ये बताइए आप लोग कि भारत ने इसमें किसका पक्ष लिया है अफगानिस्तान और मालदीव्स दोनों भारत के काफी क्लोज हैं अफगानिस्तान और मालदीव्स दोनों भारत के काफी क्लोज हैं दोनों के देशों के साथ भारत सरकार का काफ़ी अच्छा डिप्लोमेटिक रिलेशन है लेकिन इस इलेक्शन में भारत ने मालदीव्स का पक्ष लिया क्योंकि भारत ने जब ये पब्लिकली अनाउंस किया था कि किसका पक्ष लेना है उस समय अफगानिस्तान का कैंडिडेटचर सामने नहीं आया था इसलिए भारत ने बाद में जब कैंडिडेटचर अफगानिस्तान का आ गया तब भी भारत बोला चूंकि हम लोग इसको मालदीव्स के कैंडिडेटचर को हम लोग पब्लिकली अनाउंस कर चुके हैं इसलिए हम लोग मालदीव्स को ही वोट देंगे मालदीव्स को भारत ने मालदीव्स को ही वोट दिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए हाँ मालदीव्स नहीं 2018 में नहीं बोला था अभी दिसंबर में अफगानिस्तान का जो दावेदारी था जनवरी में आया था दिसंबर में ही अनाउंस किया था दिसंबर 2020 में कि हम मा, मालदीव्स को सपोर्ट कर रहे हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय सबसे ऊपर है क्यू एस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फोर ए ए पूर्णिमा रानी का आई आई मुंबई बाकी सारे लोग ए पे हैं आयुष झा भी सी कर रहे हैं ये करेक्ट आंसर होगा आई मुंबई आई मुंबई का पोजिशन 177 है इसका 185 है टॉप टू में यही दोनों है टाइम का जो आया था आपको टाइम का रैंकिंग उसमें आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप पे था टाइम के रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप पे था और अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग आया है इसमें आपको आईआईटी मुंबई टॉप पे आया है जेएनयू टॉप वन थाउजेंड में पहली बार आया है आईआईटी मुंबई इज द राइट आंसर आपको जे एन यू इस रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग में पहली बार टॉप वन थाउजेंड में आया है आई आई टी मुंबई टॉप पे है और द टाइम का जो रैंकिंग अभी दो तो तीन दिन पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टॉप पे था भारत, भारत की यूनिवर्सिटीज में जो चीन का यूनिवर्सिटी वहां टॉप पे था वहां पे फोर का आंसर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही दोनों में डिफ्रेंसिएट आपको करना होगा क्यूएस वाला है कि टाइम वाला है टाइम वाला आता है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आपको बेंगलोर और अगर आ, ये आता है क्या कहते हैं क्यूएस वर्ल्ड का आता है तो आपको आई आई टी मुंबई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर का साइंस का रैंकिंग आपको वन एटी सिक्स है इसमें चलिए आसियान फॉर मिनिस्टर मिट हेल्ड रिसेंटलीट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक भी हाल में ही किस जगह पर संपन्न हुई बीजिंग हॉन्ग जाहो चौंगक्विंग ग्वान जाहो चारों चाइना का शहर है आसियान जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी इसमें 10 मेंबर कंट्रीज हैं अभी चाइना क्वाड के कारण बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है क्वाड जो रीजनल ग्रुपिंग है उसको कभी कहता है कि यूरोप का नाटो नाटो, नाटो इंडिया एशिया का नाटो है ये क्वाड तो उसी के लिए वो बहुत तरह का मीटिंग कर रहा है हाल में ही का फौर, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने आसियान के लिए वैक्सीनेशन पॉलिसी अपना लेके आया है कि हम वैक्सीन इस तरह से करेंगे ये देंगे चाइना आसियान के सारे देशों के साथ झंझट भी है उसका तो किस जगह हुआ था एक भी आंसर सही नहीं आया है एक भी आंसर आपका सही नहीं आया है करेक्ट आंसर क्या होगा देखिए चाइना का शहर है चोंग क्विंग आसियान के फॉरेन मिनिस्टर्स का मीट आसियान जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसके टेन मेंबर्स कंट्रीज हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस करेक्ट आंसर क्या होगा इसका चोंग क्विंग चोंग क्विंग इज द राइट आंसर ऑप्शन सी अब बताइए कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में क्या समानता है किस एक चाइनीज चाइना चाइना का यह शहर है ये हम जानते हैं चाइना का एक और क्या कॉमन चीज है इसमें कुछ लगाइए तो दिमाग देखें जिसका जिसका सी सही था बहुत कम लोगों का सही था सिद्धांशु बोल मेरा सही था करेक्ट है जिसका भी ऑप्शन सी था चौक बिल्कुल सही है अब मेरा क्वेश्चन है आपसे ऑप्शन ए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तीन ऑप्शन है अपार्ट फ्रॉम ये चाइना के शहर हैं इसके अलावा इन तीनों में क्या समानता है चाइना के शहर है तो हम बता ही दिए चाइना के शहर हैं इसके अलावा इन तीनों में क्या समानता है बीजिंग हंगजआ ग्वान इकोनॉमिक्स स्टेट्स चलो और बताओ द तीनों इस साइड में है चलो और बताओ यस yes, सर तो बता देखो ये 2010 का एशियन गेम्स कहां हुआ था ग्वांग में और 2022 का एशियन गेम्स कहां होगा व्ंगहो में और यहां पर भी एशियन गेम्स पहले हुआ है यार अभी याद नहीं आ रहा है एशियन गेम्स यहां पर भी बीजिंग में भी पहले हो चुका है हुआंग में 2022 का 2022 में जो अगला एशियन गेम्स होना है वो हुंगहो में होना है और 2010 में जो एशियन गेम्स हुआ था वो कहाँ हुआ था गुआंग में हुआ था हाँ ये एशियन गेम्स का लिंकेज है ये ऑप्शन इस तरह से लिए हैं कि आपको ये बता सकें कि 2022 का जो एशियन गेम्स है वो चीन के हुआंग नामक शहर में होगा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज ओलंपिक्स एशियन ये सब काफी इंपॉर्टेंट है जब भी इस तरह का आता है तो आपको एक बार जरूर रिपीट होना चाहिए 90 1990 का 1990 का बीजिंग में हुआ था 1990 का ओलंपिक्स गेम कहा हुआ था बीजिंग में हुआ था 2010 का आपको हुआ था वांग में और 2020 हजार बीस का होगा आपको वांग में चौंगी क्विंग में अभी आसियान के भीदे, फॉरन विदेश मंत्रियों का समिट हुआ था वो चाइना का शहर है ठीक है हाँ 1990 नाइनटी में हुआ था गुड नाइनटीन सिक्सटी सेवन में बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी टेन मेंबर्स कंट्रीज हैं बुनई कंबोडिया इंडोनेशिया लाओस मलेशिया म्यांमार फिलीपींस सिंगापुर थाईलैंड वियतनाम हमारा पड़ोसी देश म्यांमार भी है हमारा पड़ोसी देश म्यांमार भी इसका मेंबर कंट्री है अब देखिए ये आपको आसियान कंट्रीज आपके सामने मैप पर आ गए दो का कोरोना भी वही हुआ था बिल्कुल सही कोरोना तो चीन से ही आया है इसमें कहीं कोई शक नहीं है ये देखिए आसियान ग्रुपिंग का जो कंट, दस कंट्रीज है आपके सामने मैप पे हैं ये इंडोनेशिया हो गया बुनई हो गया फिलीपींस मलेशिया सिंगापुर थाईलैंड म्यांमार लाओस वियतनाम एंड कंबोडिया ये दसों कंट्री आपको भारत के पड़ोस में यहां से आपको अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम से आपको ये शुरू होता है एरिया ये आपके दिमाग में रहना चाहिए ठीक क्लियर चलिए इकोनॉमिक क्वेश्चन पाते हैं कुछ इकोनॉमिक क्वेश्चन किया जाए वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड बैंक फॉरकास्ट जून 21 रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत का इकोनॉमी इस फाइनेंशियल ईयर में कितने प्रतिशत दर से ग्रो करेगा सिक्स का डी सेवन पॉइंट फाइव सब डी पे हैं डी सेवन पॉइंट फाइव डी 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 करेक्ट आंसर क्या होगा आरबीआई कितना बोला है कितना से ग्रो करेगा नाइन पॉइंट फाइव आरबीआई क्या बोला है अभी इस नाइन पॉइंट फाइव से करेगा 8.3 से बोला है वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक के अनुसार कितना ग्रो करेगा एट पॉइंट थ्री हमसे ऑप्शन देखे हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जूली शरण एट बी एट पॉइंट थ्री प्रतिशत वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन हुड कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई थी ठीक है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की उसके अनुसार से उसके जो जून का फोरकास्ट है उसके अनुसार से भारतीय इकोनॉमी अभी इस फाइनेंशियल ईयर में 8.3 पॉइंट थ्री प्रतिशत ग्रो करेगी 9.5 परसेंट का जो आंकड़ा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी हाल में जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आया था उसमें दिया था ये 5.6 जो है विश्व की अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था 2021-22 में 5.6 पॉइंट प्रतिशत की दर से ग्रो करेगी ये हम नहीं कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक कर रहा है 7.5 पॉइंट फाइव परसेंट सुपर फ्लस है इसका कोई मतलब नहीं है पर सुपर एंट्री है किसी काम का एंट्री नहीं है बाकी आपको 9.5 पॉइंट आरबीआई का है 8.3 वर्ल्ड बैंक का है और 5.6 विश्व की अर्थव्यवस्था है जो वर्ल्ड बैंक का रहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था इस साल पांच दशमलव छह प्रतिशत दर से बढ़ेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था आठ पॉइंट तीन प्रतिशत बढ़ेगी ये जो रिडक्शन है ये क्यों आया है जो द्वितीय लहर आई है कोरोना की जिस लहर के कारण सब चीज डिस्टर्ब हो गया है जिस लहर के कारण आप लोग भी घर बैठ गए हैं ठीक तो इसी कारण से ये जो भी रिडक्शन आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है किसी रिपोर्ट में इसी कारण से आ रहा है चलिए स्पोर्ट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पढ़ने के बाद भूल जाते हैं तो उसको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा ना पढ़ाई तो ऐसा चीज है जो खुद करना पड़ता है उसको कोई आपको रटवा डाटा वाला क्वेश्चन आपको बार बार उलटते रहना पड़ेगा जैसे कोई भी रिपोर्ट है जैसे आपको आर बी आई का रिपोर्ट आया सारा डाटा एकदम याद नहीं रखना है बहुत सारा डाटा इतना जम्बर जो इंपॉर्टेंट डाटा है वही डाटा मैं आपके पास लेके आता हूँ वैसे आर बी आई का रिपोर्ट क्वेश्चन नाइन पॉइंट फाइव कुछ दिन पहले था टेन पॉइंट फाइव था ये आपके जहन में रहना ही जब तक आपका आपका एग्जाम अभी अगले जब पाँच छः सात महीना में होगा वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री क्वालिफाइंग राउंड मैच 2022 फीफा वर्ल्ड कप 2023 हजार एशियन कप कहां पे खेला जा रहा है दोहा रियाद तेहरान वांगजआह वांग, ज्वाहू। वांग ज्वाहू भी है ध्यान रखिएगा सारे लोग दोहा बोल रहे हैं क्यों ये, ये कप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भारत तो ओलंपिक में क्वालिफाई करता नहीं है दोहा कतर का दोहा का कैपिटल कतर ठीक है बिल्कुल सही ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ये जो कब हो रहा है फुटबॉल का कब हो रहा है ये आपको दोहा में हो रहा है इसमें कोई कोई शक नहीं है दोहा जो कि कतर की राजधानी है कतर की राजधानी है ठीक है ये इतना ये खबर में क्यों आया है ये क्वेश्चन जो आपके सामने आया है किसी कारण से आया है बताइए कोई भी फुटबॉल के संबंध में कोई भी जानकारी रखते हो या फुटबॉल को लेकर ये न्यूज में आया है सबसे पॉपुलर गेम है फीफा बहुत अच्छी बात है फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होना है दोहा कतर में ही होना है 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होना है दोहा कतर में ही होना है ठीक ये इसलिए ये टूर्नामेंट का जिक्र अभी न्यूज़पेपर में इसलिए आ रहा है कि भारत के एक प्लेयर हैं सुनील छेत्री भारत के कैप्टन हैं वो अभी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं उसमें उनका मैक्सिमम गोल का दूसरे स्थान पर पहुँच गए हैं सेवेंटी गोल्स सुनील छेत्री सुनील छेत्री इंडियन कैप्टन अभी चौहत्तर गोल के साथ जितने भी अभी लियोन मेसी को उन्होंने पछाड़ा है मेसी का तिहत्तर गोल है इंटरनेशनल गोल लियोन मेसी का तिहत्तर गोल है और सुनील छेत्री जो भारत के कप्तान हैं, अभी बांग्लादेश के खिलाफ दो गोल किए और उसके साथ चौहत्तर गोल के साथ अभी नंबर टू पे जो भी प्लेयर खेल रहे हैं उसमें नंबर टू पे हैं। अगर एक गोल और कर लेते हैं तो टॉप सर्वकालीन टॉप टेन में आ जाएंगे सेवेंटी फोर पॉइंट नाइन सेवेंटी फोर गोल्स और नंबर वन पे कौन है आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 103 गोल के साथ अभी जो प्लेयर खेल रहे हैं उसमें टॉप पे हैं अभी जो प्लेयर खेल रहे हैं उसमें टॉप पे रोनाल्डो है 103 गोल के साथ सेकेंड पे सुनील छेत्री अभी यह सेवेंटी गोल्स के साथ है लियोन मेसी को पछाड़ के नंबर टू बने हैं मेसी चार पे हो गया है ठीक अच्छा मैक्सिमम गोल कौन किया है इंटरनेशन किसी भी इंटरनेशनल मैच में मैक्सिमम गोल आज तक 109 गोल का रिकॉर्ड है जो एशियाई खिलाड़ी का ही है 109 गोल्स के साथ मैक्सिमम गोल इंटरनेशनल गेम में किसने किया है बताइए जल्दी बताइए 109 गोल के साथ किसी को आइडिया पहले नहीं है पेले नहीं है पेले नहीं है मेसी को पछाड़ के अभी छेत्री आगे आ गए हैं रोनाल्डो 103 गोल के साथ हैं। 109 गोल इसी एशियाई खिलाड़ी ने किया है किसी एशियाई खिलाड़ी ने किया है 109 गोल और उनका रिकॉर्ड अभी है अली दई अली दई ईरान के अली दई ईरान के 109 गोल है अली दई ईरान के नहीं नदाल तो चले गए तो वहाँ टेनिस में अब टेनिस में अली दई फुटबॉल में फुटबॉल में अली दई 109 गोल के साथ वर्ल्ड के नंबर वन टॉप स्कोरर हैं याद रखिएगा चूंकि अभी छत्री के कारण ये आ, गोल का रिकॉर्ड अभी सामने आया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी जानना है नदाल टेनिस में है राफेल नदाल टेनिस में कोई इशू नहीं है बहुत स्पोर्ट्स में रुचि नहीं रहती है आप रुचि स्पोर्ट्स में नहीं जगाइए स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उसमें रुचि जगाइए अली दई आयुषा बिल्कुल सही रोनाल्डो अभी वर्तमान में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें टॉप पे हैं हाँ नदाल टेनिस में है ठीक है सुनील छेत्री भारत के फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं क्लियर है क्लियर आगे बढ़ें चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए अभी मोदी जी आके दो तीन दिन पहले देश को संबोधित किए थे और अपना नया वैक्सीनेशन पॉलिसी लेके आए थे इस वैक्सीनेशन पॉलिसी के अनुसार इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है भारत सरकार की कोविड नाइन्टीन के खिलाफ संशोधित टीकाकरण नीति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य गलत है 18 से 44 आयु वर्ग के भी मुफ्त टीकों के साथ टीकों की केंद्रीकृत खरीद की एक प्रणाली प्रदान की जाएगी ये सही है या गलत है देखना है आपको सेंटर टीकों की खुराक का पचहत्तर फाइव परसेंट तक खरीद सकता है और यह उन्हें राज्य सरकारों को मुफ्त प्रदान करेगा यहाँ तक कि 18 से 44 आयु वर्ग के लिए भी निजी क्षेत्र के लिए खुला रखी गई खरीद का 25 प्रतिशत निजी अस्पतालों की राशि पर एक सौ की सीमा से ज़्यादा वैक्सीन नहीं ले सकते हैं और ऑप्शन डी में है कि सभी सही है मैंने कहना है कि हंड्रेड वैक्सीन अगर आता है तो सेवेंटी फाइव परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परचेस करेगी और ट्वेंटी फाइव परसेंट जो वैक्सीन निर्माता है वो निजी क्षेत्र को प्राइवेट प्लेयर्स को दे सकते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को जो निजी अस्पताल हैं, उनको दे सकते हैं इनके लिए वैक्सीन का एक रेट बता दिया गया है कोविशील्ड का क्या रेट होगा क्या कोवैक्सिन का क्या होगा स्पुतनिक का क्या होगा उसके ऊपर से ये एक सौ अपना सर्विस चार्ज चार्ज कर सकते हैं वन फिफ्टी का सर्विस चार्ज चार्ज कर सकते हैं जो भी वैक्सीनेशन होगा अभी 45 प्लस होगा या अठारह सौ चौवालीस का होगा उसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन करेगी अब किसी को किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं करना है और इस क्वेश्चन का चारों आंसर तीनों ऑप्शन सही है करेक्ट आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन डी ठीक है नई वैक्सीनेशन पॉलिसी जो 21 जून से लागू हो जाएगी सब सही है बिल्कुल सही सब सही है करेक्ट आंसर क्या होगा आपको ऑप्शन डी इस जो स्पीच प्रधानमंत्री का हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए थे ठीक है उस समय क्या था ये याद रखिए 60 परसेंट जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा था इंडिया में उसका कवरेज 60 परसेंट ही था जो भी वैक्सीनेशन उस समय चल रहा था उसका कवरेज सिक्सटी था वैक्सीनेशन को उस समय कोविड नहीं था बहुत सा पल्स पोलियो का था या दूसरा बच्चों को जो वैक्सीन लगता है उन सब का था उसका कवरेज सिक्स था उस वैक्सीनेशन कवरेज को इनक्रीज करने के लिए एक मिशन चलाया जिसका नाम था मिशन इंद्रधनुष ये याद रखिएगा मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है वैक्सीनेशन से मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है वैक्सीनेशन से वैक्सीनेशन क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से आता है मिशन इंद्रधनुष का संबंध इनमें से किससे है वैक्सीनेशन पॉलिसी से है जो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था ठीक ये आपको ट्रेडिशनल जीके का क्वेश्चन आपको हो गया यहाँ पे और 2014 में वैक्सीनेशन कवरेज कितना था 60 परसेंट था ये बातें प्रधानमंत्री के द्वारा अभी हाल में ही अपना जो देश को संबोधन किया है उनमें उसमें उन्होंने इसे उठाया है मिशन इंद्रधनुष यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने का जवाब बताइए निम्नलिखित अरबपति में से कौन अंतरिक्ष के लिए पहली उड़ान जाएंगे एलन मस्क जो बेजोस बिल गेट्स बताइए नाइन का बी जो बेजोस आयुष झा सबसे पहले आए हैं विराज अमन का गलत है पूर्णिमा रानी सही है सत्यम अपर्णा नेहा दिवेशन के सीईओ एमेजोन बिल्कुल सही है एमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस अभी अपने भाई के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले हैं 1994 में इन्होंने एमेजोन की स्थापना की थी एमेजोन की स्थापना की थी अभी ये विश्व की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है और फोर्थ लिस्ट में फर्स्ट सेकेंड पोजिशन पे ये बने रहते हैं अभी शायद पोजिशन पे फोर्थ के लिस्ट के अनुसार बिलियनर वर्तमान में फर्स्ट पोजिशन पे जेफ बेजोस इज द राइट आंसर एमेजोन वाले बाबा एलन मस्क नहीं है एलन मस्क आपको स्पेस एक्स कंपनी के हैं जो उनकी कंपनी अंतरिक्ष में अपना रॉकेट्स भेजती है आदमी भी भेजेगी अभी बेजोस साहब जा रहे हैं घूमने के लिए अपने भाई के साथ जाएंगे घूमने अब घूमने के लिए लोग अंतरिक्ष जा रहे हैं क्लियर चलिए बताइए फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको देखिए इसको हम भी जाते हैं अगर उनके भाई रहते बेला भाई बना लो <laughs> कहीं लेके चले जाए चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट 2021-22 का क्या है एक लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ डेढ़ लाख करोड़ एक पचहत्तर आयुष झा सबसे पहले और शीतांशु देवेश तीन आंसर सही है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका एक दशमलव पचहत्तर लाख करोड़ इस साल का डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट जो सेवन फाइव आपको इस साल का डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट है डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिन कंपनियों में होल्डिंग्स है अपने होल्डिंग्स को वो अम, सेल करेंगे मार्केट में और उससे जो प्रोसीड्स आएगा उसको दूसरे जगह पे अपना वेलफेयर एक्टिविटीज में लगाएंगे या जिसमें भी लगाना हो गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के दूसरे कामों में लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा एक दशमलव पचहत्तर लाख करोड़ और अभी हाल में ही आपको आईडीबीआई बैंक का डिसन्वेस्टमेंट की बात हुई है बीपीसीएल की हुई है एल की हुई है ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या होगा वन पॉइंट करोड़ अभी रेटिंग एजेंसीज भी कुछ आई है अपना स्टेटमेंट लेके कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस साल अपना दो बैंक को उसको डिसइनवेस्ट करना है लेकिन उसको नहीं मिला है एक बैंक आई बैंक के बारे में तो आया है न्यूज़पेपर में खबर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया है कि उसको डिसइनवेस्ट करना है नेशनल से आ देखिए आज जो भी क्वेश्चन क्वेश्चन रहा है ये का नेचर इस तरह का है कि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए आज का क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा आज के क्वेश्चंस का जो भी नेचर है चाहे वो यूनाइटेड नेशंस के छिहत्तर में सेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हो चाहे वर्ल्ड बैंक के अनुसार ग्रोथ रेट कितना रहना है या डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है ये सब क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है या वैक्सीनेशन पॉलिसी मोदी जी का क्या है या क्षेत्री का कितना गोल हुआ है टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ है ये सब इंपॉर्टेंट है सी ऑफ मारमारा विच कनेक्ट द ब्लैक्स टू द एजेंसी हैज विटनेस द लार्जेस्ट आउटब्रेक ऑफ सी स्नॉट Marmara, Marmara, सी ऑफ नियर विच कंट्री सी ऑफ मारमारा जहां सीस नॉट या समुद्री प्रदूषण कह लीजिए वहां पे उसको एक झाग टाइप का ब्राउन कलर का झाग पूरा बन गया समुद्र में सी ऑफ मारमारा अभी कहाँ पे अवस्थित है ये आपको बताइए टर्की 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 सब पूरे टर्की में भिरा हुआ है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की टर्की का यूरोपियन देशों देश के साथ विवाद पैदा हुआ था टर्की के किस म्यूजियम को वहां भी संग्रहालय से मॉस्क बना दिया गया टर्की अभी इस्लामिक वर्ल्ड का नया चैंपियन पैरोकार बना हुआ है बताइए फटाफट बताइए टर्की के प्रेसिडेंट का नाम बताइए टर्की का किस यूरोपियन कंट्री के साथ अभी विवाद हुआ था समुद्री सीमा जल क्षेत्र को लेकर किस म्यूजियम को मॉस्क में तब्दील कर दिया गया है रेसप तैयब अर्दगोन रेसप तैयब अर्दगोन रिसेप तैयब अर्दगोन वहां के प्रीमियर हैं राष्ट्रपति हैं मोस्क का नाम बताइए किस देश के साथ विवाद हुआ था टर्की का समुद्री जल सीमा को लेकर अल अस्का मॉस्क नहीं अल अस्का नहीं है जी अल अस्का मॉस्क तो वेस्ट बैंक में है जराइल में अल अस्का मोक्स जो है वो अल अस्का मोक्स आपको अल अक्सा मॉक्स जो है ये आपको वेस्ट बैंक में है और वेस्ट बैंक कहाँ है इसराइल में इसराइल उसका मैंने बाइफ फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में उसका ये है आपको यहां पे है इसका हागिया, सोफिया, हागिया सोफिया म्यूजियम को उसको मॉस्क में तब्दील कर दिया गया है तुर्की के सेकुलर करेक्टर पर चोट पहुंचाई गई है ठीक है जेरूसलम में अमन बिल्कुल सही कर रहा है जेरूसलम में है और हागिया सोफिया जो ये मॉस्क है इसी को हाँ बिल्कुल हाँ तो ये क्वेश्चन आपके सामने घूम फिर के आते रहेंगे लगातार क्वेश्चन कीजिएगा और सी ऑफ मारमारा के संबंध में आप आते हैं सी ऑफ मारमारा कहाँ अवस्थित है टर्की में अवस्थित है देख लीजिए आप ये वाला जो एरिया है इस... ये वाला जो एरिया है यही सी ऑफ मारमारा है ये होगा सी हो गया और ये मेडिटेरियन सी हो गया ये एजियन सी हो गया एजियन सी हो गया एजियंसी हो गया सी और ब्लैक सी को कनेक्ट कौन करता है सी ऑफ मारमारा करता है इस्तानबुल के पास है इस्तानबुल के पास है तुर्की की राजधानी है और यह सी ऑफ मारमा में ही अभी ब्लैक स्नोट बना था और एजियन सी और ब्लैक सी को कनेक्ट करने का रास्ता किससे है सी ऑफ मारमारा से ऐसे इस तरह से एजियन सी के नीचे आपको मेडिटेरियन सी आ गया और मेडिटेरियन सी के नीचे आपको पूरा सीरिया सीरिया इसराइल इस साइड में हो गया उस साइड में आपको यूरोपियन कंट्रीज हो गया एक चीज और देखिए ये एरिया जो है यह कौन सा एरिया बताइए सी ऑफ एजॉब है कि यहां पे रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पे सी ऑफ एजॉब है ये आपको इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पे सी ऑफ एजॉब है ये एरिया कौन सा एरिया है ये एरिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है हाँ काफी कीचड़ हो गया है उसमें फोम बन गया है उसको साफ नहीं करेगा तो बहुत तरह का आपको कोलरा उलरा होने की संभावना बढ़ गई है ठीक है तो ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है बताइए वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स अभी चल रहा है इसमें इस एरिया के कारण से काफी विवाद हुआ है ये यूक्रेन का एरिया है और आपको हिंट दे रहे हैं रूस ने इस पर कब्जा किया है यूक्रेन का एरिया है और रूस ने इस पर कब्जा किया है बताइए कोई आइडिया दिमाग लगाओ सी ऑफ मारमा तो हो गया टर्की के पास है ब्लैक सी और सी को कनेक्ट करने का रास्ता सी ऑफ मारमारा हो गई है और सी नीचे आपको सी का सी का एक्सटेंशन हो गया सी ठीक यहाँ ग्रीस है यहाँ टर्की है ग्रीस और टर्की का भी विवाद चला था समुद्र के सर्बिया नहीं बेला, तो दूसरा हो गया बेलारूस तो यहाँ है, है, देखो बेलारूस यहाँ बेलारूस है ये यूक्रेन है यूक्रेन के एक एरिया को रूस ने कब्जा कर लिया था 2014 में जिस कारण से G8 क्या हो गया घट के G7 हो गया पहले G8 था रूस इससे निकल गया तो क्या बन गया जी सेवन वही एरिया है ये जिस एरिया पे कब्जा किया था क्रीम बहुत अच्छा श्रेया सिंह सांच सौरभ सिंह एंड श्रेया सिंह क्रीमिया ये एरिया जो है ये क्रीमिया है ये क्रीमिया है और इसी एरिया के कारण रूस जो है जी एट से निकल के जी एट से निकल गया जो अब जी सेवन के रूप में चल रहा है ठीक है तो ये क्रीमिया है तो ये भी देख लीजिए ये भी टर्की ब्लैक सी के इस साइड में है टर्की इस साइड में है ठीक सी ऑफ एजोब क्वेश्चन आपको आता है कि सी ऑफ एजोब किन दो देशों के बीच का सीमा निर्धारण करता है तो होगा रूस और यूक्रेन क्लियर कुछ पूछना है इसमें तो बोलो हम्म hmm. चलिए नहीं पूछना है तो बढ़ते हैं आगे फिर से वर्ल्ड बैंक है निकला नहीं निकाल दिया गया चलो बात एक ही है ना अब रूस अब जी एट में नहीं है जी सेवन अलग हो गया और अभी रूस को कुछ दिन पहले निमंत्रण भी मिला था कि फिर से शामिल हो लेकिन वो तैयार नहीं हुआ था बार बार बेजती कराने के लिए कहाँ जाएगा फिर कुछ बदमाशी करेगा ही रूस रूस क्या है एक विस्तारवादी कंट्री है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा कंट्री है उसका इतिहास ही रहा है कि अपने आसपास के देशों को जैसे चीन यहाँ डिस्टर्ब करता है उस तरह रूस यूरोप में करता है तो इसलिए वो फिर आगे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हरकत करेगा तो सोवियत संघ डिस कर गया इसलिए रूस इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 500 मिलियन यूएस डॉलर का भी लोन दिया है ठीक है करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 500 मिलियन हाँ क्लियर विच स्टेट हैज लॉन्च जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन जहां वोट वहां टीकाकरण मैंने जिस बूथ पे आप वोट देने गए थे उसी बूथ पे आपको टीकाकरण की सुविधा मिलेगी बताइए आंसर इसका जिस बूथ पे आप वोट देने गए थे उसी बूथ पे आपको टीकाकरण की सुविधा प्राप्त होगी मध्य प्रदेश दिल्ली उत्तर प्रदेश राजस्थान थर्टीन का बी दिल्ली पूर्णिमा रानी दिल्ली तन्मयानंद एविराज पटेल दिल्ली 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 चलो मान लेते हैं दिल्ली इज द राइट आंसर दिल्ली इज द राइट आंसर जहां वोट वहां टीकाकरण किससे संबंधित है दिल्ली से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है अनिल बैजल अनिल बैजल इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर के बारे में तो सभी परिचित होंगे कि श्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के वहां चीफ मिनिस्टर हैं ठीक है और लेफ्टिनेंट गवर्नर पे पद पे आपको दिल्ली है और वहां अनिल बैजल हैं और जिन्होंने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम अभी दिल्ली ने स्टार्ट किया है चलिए इसी के साथ आज का क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है नेचर ऑफ द क्वेश्चन वन सेकेंड हम रिट्रिएट कर रहे हैं कि नेचर ऑफ द क्वेश्चन आज का जो था जिस तरह का क्वेश्चंस था वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग मस्ट गो थ्रू करेंगे आप लोग सारे क्वेश्चंस को मस्ट गो थ्रू कीजिए और सेशन को एक बार आप लोग शेयर जरूर कीजिए शेयर नहीं करते हैं सेशन को टाटा बाय बाय खत्म तो हो गया सेशन को शेयर कीजिए सारे लोग सेशन को शेयर कीजिए जो भी आपके दोस्त महिम भाई बहन बंधु जो भी आपकी तैयारी कर रहे हो उन करेंट अफेयर्स हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को जरूर शेयर कीजिए टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड गुड नाइट मिलते हैं कल 8 पीएम में जय हिंद जीआई आई टैग का पीडीएफ में एक दो इशू है इसका आंसर नहीं दिए हैं एक दो दिन में दे देंगे आपको उसको डाउनलोड किए हैं कुछ उस पर काम कर रहे हैं उसको आपको प्रोवाइड कर देंगे थैंक यू टेक केयर